जिला अधिकारी की अध्यक्षता में सीता द्वार मेले को सकुशल व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु की गई बैठक जिला अधिकारी ने सीता द्वार मेला क्षेत्र में चल रही तैयारियों का भ्रमण कर लिया जायजा, सभी व्यवस्थाओं को पहले से ही चुस्त दुरुस्त करने संबंधित अधिकारी, सुरक्षा के मद्देनजर CCTV एवं खुफिया पुलिस की निगरानी में रहेगा मेला। आप सभी का सबसे तेज खबर सावसी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद के इकौना इलाके के सीता द्वार से है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सीता द्वार मंदिर पर लगने वाले मेले को सकुशल व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी कृतिका शर्मा की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं मेला प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ सीता द्वार मंदिर के समीप बैठक की गई। 3 दिवसीय सीता द्वार का मुख्य मेला कार्तिक पूर्णिमा आगामी 27 नवंबर को पड़ेगा और इस दिन से मेला प्रारंभ होकर आगे भी चलता रहेगा। मेले को सकुशल ढंग से संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी ने मेला परिसर का भ्रमण कर जायजा लिया और लगाए गए स्टेटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि जिन स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई वो अपने तैनाती स्थल पर तैनात रहकर मेले को सकुशल ढंग से संपन्न कराएंगे। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान दिशा निर्देश तमाम तरह के दिए, साथ ही बताया कि मंदिर परिक्षेत्र के अंतर्गत मेला के प्रारंभ होने से मेला की समाप्त तक खुले खाद्य पदार्थ की बिक्री किसी भी दशा में न होने पाए। इसके लिए सहायक आयुक्त खाद्य को निर्देश दिया कि मेले परिसर के अंदर एवं बाहर से लगने वाली दुकानों को भी क्रमबद्ध तरीके से लगाने के निर्देश दिए, साथ ही किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसी तमाम तरह की उन्होंने लोगों को निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिला अधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी DN सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी Dr. AP सिंह, उप जिलाधिकारी कोना अरुण कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, तहसीलदारी कोना विपुल सिंह, अग्निशमन अधिकारी अधिशासी अभियंता विद्युत, जिला पंचायत राज अधिकारी नंदलाल, खंड विकास अधिकारी कोना BC तिवारी, अग्निशमन अधिकारी संजय जायसवाल, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सहित मेला व्यवस्था में लगे संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण व मेला के सदस्य कमेटी के लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में बैठक करते हुए मेला क्षेत्र का भ्रमण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए। सावसी जनपद के इकौना इलाके के सीता द्वार मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अधिकारियों के साथ मेला स्थल का भ्रमण किया गया तथा सभी तैयारियों का निरीक्षण करते हुए तमाम तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, ताकि मेला सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जा सके। सावसी जनपद के इकौना इलाके का मामला। सिक्योरिटी वालों को बुला लीजिए, विद्युत सुरक्षा वालों को, और उनका एक सर्टिफिकेशन भी लगता है, वो सर्टिफाई करके देते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में कहीं कोई समस्या नहीं है, जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी कैपेसिटी का जनरेटर इन्होंने रख रखा है कि नहीं। और एक बार आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा कि कौन से क्षेत्र में ज़रूरी है बिजली, कि अगर डीजल ऊपर नीचे होता है तो एटलीस्ट उस क्षेत्र में जरूर दिया जाए। आप खुद भी देखिएगा, उसकी सूचना लिखित में आ जाए, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके हस्ताक्षर के अंदर। ये सब तो अभी लगा नहीं है, तो आप लोगों को इसका सेफ्टी सर्टिफाई करना रहेगा, PWD इनका सर्टिफिकेट लेके, PWD का लेके, पुलिस का लेके, फिर फाइनली आप एक जारी करिएगा। बाकी सारी जिम्मेदारी इनकी है, ये लिख दीजिएगा क्वालिफायर में, लेकिन जितना हमारी समस्या है उस हिसाब से सेफ्टी है इसको चलाने। तो वो कहाँ है, KP सिंह या कोई आएगा PWD से, आइए इसका ये पुली वगैरह देख लीजिएगा, जिसमें वो चलता हमारी कोई कमी ना रह जाए। तो हमारी फाइनली जब इंस्टॉल हो जाएगा तभी भी इसका कन्वेयर बेल्ट वगैरह जो भी है हाँ। 5 झूले हैं, पंप हाउस है क्या, पंप हाउस डीएम से सामने ट्यूबवेल काम करता है, ये पुरातत्व डीएम सामने है, पुरातत्व क्यों, यहाँ टीले के अंदर में कुछ है क्या, आपके पास टैंकर नहीं है, तो दो भिंगा से कर दीजिएगा, 4 रहे पर्याप्त, टॉयलेट रहे, मोबाइल टॉयलेट, और ट्यूबवेल वगैरह देख लिया, हैंडपम्प सारा रिपेयर,
जो इंडिया मार्ग का जितने हैंडपम्प है। तारीख तक सीता द्वार में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो हमारे यहाँ जिला स्तर पे जिलाधिकारी के कार्यालय में एक बैठक हुई थी और दूसरी बैठक आज मेला परिसर में हो रही है। इसके बाद और भी बैठकें होंगी। 26 को पुलिस और प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग होगी। तो सारी तैयारी हमने देख ली है, झूला क्षेत्र, मंदिर क्षेत्र और कहाँ कहाँ सेक्टर बने हैं जहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगेगी, कहाँ कंट्रोल रूम है और कहाँ खोया पाया केंद्र है, लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, विद्युत सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देख ली है। बंदोबस्त पूर्ण हो गया है। 26 तारीख तक इसी तरह से तैयारियाँ चलती रहेंगी, फिर एक बार हम लोग मेला परिसर का भ्रमण करेंगे। थैंक यू।